हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमने देखा पार्ट वन में चैप्टर 10 बलवान कौन। पार्ट वन में हमने देखा सूरज दादा के साथ तीन मौसम रहते हैं, कौन? सर्दी, गर्मी और बरसात, बराबर। वो तीन मौसम है जो हमने देखे। तो उसमें सर्दी बोलती है मैं बलवान हूँ, गर्मी बोलती है मैं बलवान हूँ और बरसात बोलती है मैं बलवान हूँ। तीनों में बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो आगे जाके वो सब इकट्ठा होते और बोलने लगते कि मैं बलवान ऐसे। तो सूरज दादाजी के पास जाके बोलते, दादाजी आप बताइए हम तीनों में अधिक बलवान कौन है? दादाजी हम तीनों में अधिक बलवान कौन है? तो दादाजी ने कहा, हम आप लोगों की एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते हैं, उसमें तो बच्चे तैयार, अरे सॉरी, मौसम तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, आप हमारी परीक्षा दीजिए। जो उस आदमी का कोट उतरवा देगा वही सबसे बलवान होगा। जो उस इंसान ने कोट पहना हुआ है, उस इंसान का कोट जो उतरवा देगा वही सबसे बलवान होगा। तो पहली बारी सर्दी की आई, तो सर्दी ने क्या किया, वो बोले पढ़ने लगे, आदमी ने कोट नहीं उतारा, बहुत ओले गिराए, ये किया वो किया, ठंड बहुत सर्दी, पर उसने कोट उतारा नहीं। फिर बरसात की बारी आई, तो आदमी ने तेज बारिश में छाता ले लिया पर कोट उतारा नहीं। फिर अंत में गर्मी की बारी आई, अंत में किसकी बारी आई, गर्मी की बारी आई। तेज गर्मी में आदमी को पसीना आया, तेज गर्मी में क्या हुआ, आदमी को पसीना आया और उसने झट अपना कोट उतार लिया। तो तेज गर्मी में उस आदमी को क्या हुआ, पसीना आया। सर्दी से भी उसने कोट नहीं निकाला, बरसात से भी उसने कोट नहीं निकाला, पर तेज गर्मी लगी, पसीना हुआ तो उसने कोट झट से निकाल दिया। तो वैसे गर्मी के मौसम में सूरज दादाजी की परीक्षा पास कर ली, वैसे ही गर्मी के मौसम में सूरज दादा की परीक्षा पास कर ली। गर्मी के मौसम ने कोट उतरवा दिया, गर्मी के मौसम ने क्या किया, कोट उतरवा दिया। तो इस तरह धूप में हमें क्या करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा बीमार पड़ सकते हैं। क्या हम उसे बलवान मान ले? बाकी दो मौसम के एक साथ बोले, अब जो गर्मी ने कोट उतरवा दिया उस इंसान को, तो दो मौसम थे, वो बोलने लगे कि क्या हम उन्हें उसे बलवान मान ले, उन दोनों को बलवान मान ले, एक अरे गर्मी को हम बलवान मान ले। तो वो दो ऐसा बोल रहे थे। सर्दी बोली, यदि सूरज दादा ना होते तो धूप ना पड़ती। सर्दी क्या बोलती, यदि सूरज दादा नहीं होते तो धूप पड़ती नहीं। फिर तुम कैसे जीतते, फिर तुम कैसे जीतते, मतलब गर्मी के मौसम को बोल रहे कि अगर सूरज दादा होते नहीं तो तुम जीत नहीं पाते, तो तुम कैसे जीतते? बरसात ने कहा, हाँ गर्मी तो सूरज दादा ने ही की, दादा ने ही की। तो बरसात ने कहा कि हाँ गर्मी तो सूरज दादा ने ही की, गर्मी तो सूरज दादा ने ही की, तूने क्या किया, सूरज दादा की वजह से ही गर्मी तो हुई ना। तो बरसात भी ऐसे बोलने लगा कि हाँ गर्मी तो सूरज दादा ने ही की ना। गर्मी बोली, सूरज ही बड़ा है, गर्मी बोल रही है सूरज ही सबसे बड़ा है। आप लोग ठीक कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो, ठीक कहते हैं, सूरज बड़ा है, सूरज क्या है, बड़ा है। मौसम नहीं, सभी मौसम सूरज से ही तो है, तो
क्या बोलती है, जो गर्मी है वो, कि सूरज ही बड़ा है। आप लोग ठीक कहते हैं, सूरज बड़ा है। मौसम नहीं, पर सभी मौसम सूरज से ही होते हैं। सारे मौसम सूरज की वजह से ही होते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सूरज हुआ। तीनों मिलकर बोले, सूरज दादा सबसे बड़े। अब तीनों को समझ में आया कि बड़ा क्या है, समझना क्या था और क्या करना था। तो क्या बोले कि सबसे बड़े सूरज दादा ही है। तो ऐसे हमने ये जो लेसन है समझा, मैंने आपको समझाया पढ़ के। तो गर्मी ठंडी बरसात सबने बहुत ट्राई किया कि हम ये इस इंसान का कोट उतरवा दें, पर लास्ट में गर्मी ने ही इस इंसान का कोट उतरवा दिया। फिर भी फिर बरसात और सर्दी बोल रहे हैं कि गर्मी तू भी सूरज दादा की वजह से, सूरज दादा नहीं होते तो तू कैसे होती। फिर सबको ऐसे एहसास हुआ कि नहीं, सबसे बड़े सूरज दादा है। तो तीनों झगड़ना बंद करके सबसे बड़े किसको बताया? सूरज दादा को बताया। तो ऐसे ही लेसन पूरा हुआ। अब हम इसका स्वाध्याय देखेंगे बाद में, इसके प्रश्न के उत्तर देखेंगे। तो पहला है, तीनों मौसम किसके साथ रहते थे? तो तीनों मौसम सूरज दादा के साथ रहते थे। तीनों मौसम में बहस क्यों हुई? क्यों हुई तीनों मौसम में बहस? के सबसे बलवान कौन है, इसलिए। सबसे अधिक बलवान कौन है? आप किस मौसम को सबसे अधिक बलवान मानते हैं और क्यों? क्योंकि हम सबसे अधिक बलवान गर्मी को मानते हैं, क्योंकि वो सर्दी और बरसात से अधिक बलवान है और सूरज दादा की वजह से सबसे बड़े सूरज दादा है। तो गर्मी सबसे अधिक बलवान है। तो इस तरह हम ये पार्ट टू यहाँ पूरा करते हैं और पार्ट थ्री हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बराबर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।